नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के जॉइनिंग लेटर के रिगार्डिंग देखिए, एसएसबी की तरफ से नोटिस अपडेट है जिसमें एसएसबी के जो सेंटर्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं। सिलीगुड़ी में आप लोगों का सेंटर है, पटना में आप लोगों का सेंटर है, गुवाहाटी में है, लखनऊ में है, और किस सेंटर पर कितने कैंडिडेट्स हैं उसकी टोटल आरसीटी जो है अलॉट कर दी गई है। बाकी देखिए, रैंक वाइज जो है बटालियन भी अलॉट कर दी गई है, किस बटालियन में रिपोर्टिंग सेंटर है, अलॉटमेंट यूनिट भी जो यहाँ पर जो है बता दी गई है। ये कंप्लीट पीडीएफ है, मेरे पास 3 पीडीएफ हैं जो मैंने टेलीग्राम पे डाल दी हैं सभी कैंडिडेट्स की, आप लोग की बटालियन अलॉटेशन की। बाकी देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए। अभी तक मेरे पास विदहेल्ड के लिए कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन अब देखिए फाइनली विदहेल्ड वालों के लिए अपडेट आ चुकी है। बाकी हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बताएंगे, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एक दो नंबर से रुका है तो वो किस तरीके से वेटिंग लिस्ट क्लियर करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2018 की भर्ती के भी कैंडिडेट्स अभी जो वेटिंग लिस्ट हैं उसको क्लियर कराने में जुटे हुए हैं। बाकी विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कब तक होगी वो भी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, विदहेल्ड वाले जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर विदहेल्ड लिस्ट में क्यों रखा गया है, सबसे पहले देखिए, आप लोगों का जब पीएसटी जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया होगा उस समय आप लोगों का फिंगरप्रिंट में आप लोगों को सस्पेक्ट माना गया होगा, जहाँ पर आप लोगों से कुछ फॉर्म फिल कराए होंगे। फिर आपके पास 9 फॉर्म और फिल कराए जाते हैं ज्वाइनिंग, आप लोग की जो मेरिट लिस्ट बन जाती है उसके बाद, जिन कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट बन जाती है उन कैंडिडेट्स को सेंटर पर जाकर, जो भी आप लोगों को सेंटर अलॉट हुआ है उस सेंटर पर जाकर आप लोगों को अपनी जो है सभी प्रोसेस कंप्लीट करने हुए हैं। आरआरसी में वहाँ पर आप लोग जाते हैं रिक्रूटमेंट सेल में, और रिक्रूटमेंट सेल में आप लोगों के जो भी फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग इशू होता है तो उसके लिए आप लोगों से हैंड राइटिंग जो है चेक करवाई जाती है। जो हैंड राइटिंग आप लोगों ने जब पेपर दिया होगा उसमें आप लोग लिखते हैं, एक नोटिस होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसको लिखा जाता है आप लोगों का एडमिट कार्ड के ऊपर, जिसको कैंडिडेट्स के पास जो कैंडिडेट्स हैं उनसे लेकर जो रख लिया जाता है, आप लोगों ने जब सीबीटी कंडक्ट कराया होगा उस समय लिखवाया होगा, वहाँ पर आप लोग की राइटिंग मैच की जाती है, जिसमें देखिए आप लोग की राइटिंग जो है वो मैच करने में टाइम लगता है। इसके बाद जो है कम्प्लीटली फॉरेंसिक जाँच होती है राइटिंग की, इसके बाद जो है रिपोर्ट आती है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है इसमें टाइम लगता है दोस्तों। और देखिए पिछली भर्ती की बात करें तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी लंबा समय कैंडिडेट्स को इंतजार करना पड़ा है, और इस बार भी आप लोगों का लगभग जो इंतजार की बात करें तो आप लोग कम से कम जो है 5 महीने जो है इंतजार समझ लीजिए, 5 महीने तक आप लोगों का ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। मिनिमम 5 मंथ लग सकते हैं, उससे भी ऊपर जो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया जा सकती है विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए। आई होप ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि 5 महीने बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 5 महीने में आप लोगों को मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 5 महीने आप लोगों को लग ही जाएंगे। आप लोग का इस बार ट्रेनिंग में कोई अलॉटेशन नहीं होगा, अलग से आप लोगों की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाएगी। और अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर, और वेटिंग लिस्ट देखिए दोस्तों, काफ़ी जो सीटें हैं जो खाली रह जाती हैं एसएससी के थ्रू, उसके लिए 2018 वाले कैंडिडेट्स ने भी काफ़ी जो है मेहनत से कोर्ट केस भी किया था, प्रोटेस्ट भी किया था, और अभी तक जो है उनका सॉल्यूशन नहीं देखने को मिला है। 2021 की बात करें, 2021 में भी यही प्रोसेस चल रहा है। 2015 की भर्ती प्रक्रिया की बात करें, 2015 में भी यही प्रोसेस आप लोग चल रहा था। 2015 में पटना हाई कोर्ट में जो है केस डाला गया था, और लगभग जो है अभी आप लोगों का उनके पास उम्मीद है कि उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होने वाली है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट केस लगा हुआ है उसमें यही आप लोगों का डिसीजन आ रहा है। तो आप 2018 और 2021 वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी देखिए 2022 की जो भर्ती प्रक्रिया आ रही है इसमें 2021 वाले सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कीजिए। साथ में आप लोग कोर्ट के माध्यम से जो है अपनी वेटिंग लिस्ट क्लियर करा सकते हैं। अगर एसएससी में जीडी के अंदर वेटिंग लिस्ट आ गई तो काफ़ी कैंडिडेट्स का फायदा हो जाएगा। काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है जो उनको दी जाती है उसमें वो खुश नहीं होते हैं, तो दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं, मेडिकल देते हैं, फिजिकल देते हैं, और फिर भी अगर उन्हें जो है सेम पोस्ट नहीं मिल पाती है जिस के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे किसी को सीआईएसएफ पसंद है तो सीआईएसएफ के लिए जाना चाहेगा, कोई एसएसएफ के लिए जाना चाहेगा, कोई आप लोग का एसएसबी के लिए जाना चाहेगा, कोई बीएसएफ के लिए जाना चाहेगा, तो इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं जो चेंज कराने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ले लेते हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है लेकिन वो ज्वाइनिंग पर नहीं जाते हैं। काफ़ी ऐसे होते हैं जो ज्वाइनिंग पर चले जाते हैं, ट्रेनिंग पर जो है जाने के बाद उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो आप लोगों का जो जीडी की जो वैकेंसीज हैं वो खाली रह जाती हैं। तो आप लोगों का 2015 की भर्ती प्रक्रिया कोर्ट केस के अंदर ही आप लोग जुड़कर एक अच्छी तरीके से पैरवी कर सकते हैं, और जो आप लोगों का जीडी के अंदर जो वेटिंग लिस्ट है उसके क्राइटेरिया को आप लोग चेंज करवा सकते हैं।
बाकी देखिए काफ़ी जो सीटें हैं वो खाली इसके लिए भी रह जाती हैं, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि एक्स सर्विसमैन की सीटों को जनरल लिस्ट में जो है भरा जाएगा, लेकिन एसएससी जो है ऐसा नहीं करती है, उन सीटों को खाली छोड़ देती है। तो उन सीटों पर भी आप लोग फाइट कर सकते हैं। एक सीट पर भी अगर कोई कैंडिडेट से आएगा तो एक एक जो परिवार है उसकी घर में नौकरी लग सकती है, क्योंकि जो भी आप लोग जीडी की जो प्रिपरेशन करते हैं आप सभी जानते हैं यहाँ पर काफ़ी जो है जो मेरिट लिस्ट है वो स्टेट वाइज होती है। तो यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स जहाँ पर जो सेंटर की वैकेंसीज में फाइट नहीं कर सकते उनके लिए जीडी ही मौका होता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लगने का, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो है आप लोग की स्टेट वाइज जाती है, बाकी बॉर्डर एरिया की बॉर्डर वाइज जाती है, जनरल एरिया की जनरल वाइज जाती है, नक्सल एरिया की नक्सल वाइज जाती है। तो इसमें इस कारण से काफ़ी एस्पिरेंट जो हैं जो सेंटर की गवर्नमेंट की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी तरीके से आप लोगों का डिफेंस में जाने का सपना होता है और आर्मी में आप लोग नहीं लग पाते हैं, तो वही एस्पिरेंट जो है जीडी की तैयारी करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के लिए बता दिया है कि वेटिंग लिस्ट किस तरीके से आप लोग क्लियर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोग विदहेल्ट की, तो विदहेल्ट के लिए मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि 5 महीने आप लोगों को मिनिमम जो है लग ही जाएंगे विदहेल्ट वाले कैंडिडेट्स को। अब देखिए दोस्तों जो ये मैंने आप लोगों को नोटिस दिखाया है आप लोगों ने देखा होगा, ये जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिखा रहा हूँ इसमें कैंडिडेट्स के नाम हैं, इसके बाद बटालियन अलॉटेशन है, इस तरीके से जो है कंप्लीट लिस्ट है जिसको आप टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी आप लोग का एसएसबी में अलॉटमेशन हुआ है उसमें आप लोग का ये जो लिस्ट है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसएससी जीडी के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। 2015 से मैं एसएससी जीडी की अपडेट्स दे रहा हूँ, तो मेडिकल ज्वाइनिंग पेपर की प्रिपरेशन सभी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये चैनल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देख चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।